सपा के वरिष्ठ नेता एवं 31 विधानसभा के संभावित उम्मीदवार सतीश प्रेमी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के पुरखुलूस मौके पर चंदौसी के बदायूं रोड स्थित धोरे शाह मियां की दरगाह पर चादर पोशी कर अमन चैन और देश की तरक्की की दुआ मांगी। दरगाह शरीफ पर आयोजित कब्बाली में कलाम पेश कर रहे कब्बालों को सम्मानित कर हौसला अफजाई की, साथ ही सभी का अभिवादन भी किया। दरगाह पर पहुंचे सपा नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि आज देश में कुछ फिरका परस्त ताकतें और मौका परस्त लोग हावी हो रहे हैं। अमन चैन के देश में आज दलाल और घुसखोरों ने अपना मकर जाल फैला रखा है। आज प्रदेश में बदहाली है, महिलाएं किसान सब हाहाकार कर रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर धोरे शाह मियां से सबकी खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगता हूं। धोरे शाह मियां सबकी मुराद पूरी करें, सब खुश रहें, यही मेरी सबके लिए दुआ है। दरगाह शरीफ पर दुआ करने के बाद सपा नेता सतीश प्रेमी नगर के समाज सेवी हरदिल अजीज सानुवारसी को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद भी पेश की। नगर में जगह जगह सपा नेता सतीश प्रेमी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आज बारहवीं शरीफ के मौके पे आप धोरे वाले ज़ारत पर आए हैं, आपने दुआ की है, क्या कहेंगे तुम्हारे? आज पूरी दुनिया के लिए बहुत पाक मौका है, मोहम्मदी जी का दिन है, मोहम्मद साहब का दिन है। आज बारहवीं शरीफ में मैं यहाँ आया था दादा मिकी मजार पर, मुल्क के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, कि अल्लाह ताला दादा मियाँ की दुआ करने भी आया था कि आज ये प्रदेश और देश खतरे में है। यहाँ सांप्रदायिक ताकतों ने जिस तरह से कब्जा किया है, देश के अमन चैन के लिए मैंने दुआ की कि ये अल्लाह ताला आज जैसा पाक दिन है हम सबके लिए, देश से तमाम वो ताकत हैं जो देश को निस्ताबूत करना चाहती है, प्रदेश को निस्ताबूत करना चाहती हैं, जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा करना चाहती हैं, उनको निस्ताबूत करें और अमन और चैन की ज़िंदगी आम आदमी की ज़िंदगी में आवे। इसी दुआ के साथ मैं यहाँ पे आया था, दुआ मांगने आया था कि आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव भी है और देश और प्रदेश के लोगों को एक मौका मिलता है चुनाव का वक्त, कि देश की तमाम उन गंदी नीयत रखने वाले लोगों को जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो नफरत फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन तमाम नफरत फैलाने वाली ताकतों को निस्तब्ध कर दे और अमन चैन इस प्रदेश में लेकर गए। इसी दौरान